बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ कर लेते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है कोलकाता से। यहाँ के दमदम इलाके के स्लम एरिया में भीषण आग लगने की खबर है। आग एक साथ कई झुग्गियों में लगी है। आग में कई लोगों के झुलसने तक की खबरें आ रही हैं, जबकि एक शख्स की मृत्यु की खबर आ रही है। आग की लपटों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि यहां पर आप देखिए कई आशियाने कैसे जलकर खाक हो गए। दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है, इतना विकराल रूप आग ने अख्तियार कर लिया है कि जिस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ गई है। पूजा मेहता हमारी संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, ये कौन सा इलाका है, कैसे आग लगी, इस पर काबू पाया गया है कि नहीं? देखिए निहारिका, ये दमदम इलाके में एक स्लम एरिया है जहां पर करीब 6:30-7 बजे भीषण आग लगी। इस आग में अभी एक आदमी के झुलसने की पुष्टि कर रही है पुलिस। उसके अलावा जो है 70 से भी ज्यादा जो झुपड़ियां है वो अभी खाक हो गई है। इस आग में करीब 350 से भी ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग का कारण अभी भी नहीं पता लगा है। अच्छा, आग का कारण नहीं पता लगा है, लेकिन लाखों का नुकसान तो यहाँ पर हो गया क्योंकि आशियाने जलकर खाक हो गए। धन्यवाद पूजा अपडेट देने के लिए। एक शख्स की मृत्यु की खबर आ रही है, लेकिन आग की वजह क्या है वो अभी तक पता नहीं लग पाया गया है। काफी मशक्कत के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से आग पर काबू पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दमकल विभाग की तरफ से पूरी कोशिश की गई, उन्होंने ज्यादा गाड़ियों को भेजा आग पर काबू पाने के लिए। कोलकाता के दमदम इलाका जो कि स्लम एरिया है, वहां पर लगातार झुग्गी बस्तियां थी, लगातार सब जलकर खाक हो गई है। ये एक बड़ी खबर कोलकाता के दमदम इलाके से आ रही है। गरीब इस बार बिना छत के हो गया है क्योंकि सारी की सारी बस्तियां जलकर खाक हो गई। एक की मौत की खबर, लेकिन आग कैसे लगी अभी तक पता नहीं। आगे बढ़ते खबरों में, बीजेपी आरएसएस समन्वय समिति की बैठक जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। इस बैठक में पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने की सरकार की नई कवायद, सांसद कीर्ति आजाद का निलंबन और डीडीसीए का मुद्दा, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की भी अनदेखी एक एजेंडा इस बैठक का हो सकता है। कई स्टेट्स में होने वाले इलेक्शन, क्योंकि अगले साल यानी कि 2016 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। जम्मू कश्मीर सरकार के कामकाज की भी बात होगी। बिहार में बीजेपी फेल की हुई, इस पर भी इसमें बैठक होगी, चर्चा होगी। आरएसएस की तरफ से भैया जी जोशी, दत्तात्रेय होस बोले, कृष्ण गोपाल, मनमोहन वैद्य हिस्सा लेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद अध्यक्ष अमित शाह होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी के महासचिव राम माधव होंगे जो एक अखंड भारत का सपना देखते नजर आए। वहीं रामलाल होंगे, दूसरे कई बड़े नेता बीजेपी के इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले सितंबर में बीजेपी आरएसएस समन्वय समिति की बैठक हुई थी और अब ये अगले महीने होगी और इश्यूज बहुत ज्यादा हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में चुनाव से भी जुड़े हुए हैं, पार्टी के अंदरूनी स्थिति से भी जुड़े हुए हैं और मुद्दों से भी जुड़े हुए हैं, एजेंडा से भी जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर में पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ चाय की चुस्की, लंच करना और इसके साथ साथ शादी के कार्यक्रम में जाना, एक अच्छी मुलाकात, एक सरप्राइज मुलाकात को भारतीय जनता पार्टी एक मास्टर स्ट्रोक बता रही है। आडवाणी ने भी प्रधानमंत्री की बर्थडे डिप्लोमेसी की तारीफ की है। हालांकि कांग्रेस नवाज शरीफ और मोदी की मुलाकात को पहले से फिक्स प्री प्लान बता रही है सरहद के उस पार, लेकिन जो है लोग हैं वो इस मुलाकात को सराहनीय तौर पर देख रहे हैं। लेकिन भारत के दुश्मन हाफिज सईद ने भी जहर उगल लिया है, अपना काम शुरू कर दिया है कह सकते हैं। चंद लम्हे सदियों का इतिहास बदलने का मादा रखते हैं। जादू की एक जोर की झप्पी रिश्तों पर जमी कड़वाहट की बर्फ को एक पल में पिघला सकती है। वैसे भी दिल की बातें दिल से ही की जाती हैं, दिल से ही सुनी जाती हैं। शुक्रवार को लाहौर एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मिले तो पूरी दुनिया देखती रह गई। नवाज के बर्थडे और उनकी नातिन की शादी के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सीधे काबुल से लाहौर पहुंचे थे। पाकिस्तान में चंद घंटे रुके, गर्मजोशी के साथ दोनों नेता मिले। प्रधानमंत्री मोदी की बर्थडे डिप्लोमेसी के इस मास्टर स्ट्रोक से
बीजेपी बेहद खुश है। सियासत की पाठशाला में मोदी के गुरु रहे लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि मोदी वाजपेयी की दिखाई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रयत्न वाजपेयी जी ने शुरू किया, उस वाजपेयी जी के प्रयत्न को आगे बढ़ाते हुए आज के भी जो हमारे शासन के नेता हैं और उनमें मोदी जी हैं और बाकी हैं, वे भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने में योगदान दे। सियासत में हर कोई अपना नफा नुकसान पहले तलाशता है, लिहाजा कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की बर्थडे डिप्लोमेसी को लाहौर में पहले से फिक्स पॉलिटिक्स बता रही है। कांग्रेस नेता कारोबारी फायदे के लिए पहले से तय मीटिंग होने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी बढ़िया नाश्ता काबुल में करें, अच्छी चाय लाहौर में पें और रात का खाना आके दिल्ली में खाएं, उसका खामियाजा भारत को अपनी सामरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से चुकाना पड़ेगा। उसका जो बिल है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को चुकाना पड़ेगा। गुप्त बैठक एक होटल में हुई थी काठमांडू में, जिस व्यावसायिक घराने ने वो कराई थी भारत के, जिनके संबंध सीधे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके वहां के प्रशासन के साथ व्यावसायिक संबंध, क्योंकि काबुल से आ रहे हैं और वहां से काबुल से जुड़ी ये बातें हैं, अफगानिस्तान से जुड़ी ये बातें हैं, वही वहां पर बैठे लाहौर में दो दिन से हैं, ये सफाई देनी पड़ेगी। बीजेपी सियासी पिट पर रिश्तों की नई इबारत लिखे जाने की प्रधानमंत्री मोदी की इस कवायद से बेहद खुश है, लिहाजा कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। ये कहना कि किसी एक व्यक्ति और एक इंडस्ट्रियलिस्ट, ये ना सिर्फ गलत है बल्कि ये सवाल जो उठाने वालों की जरा सा अकल पे शुभ करनी चाहिए। भारत के खिलाफ नापाक साजिशों को अंजाम देने वाले जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को प्रधानमंत्री मोदी का लाहौर में हुआ स्वागत रास नहीं आया है। नवाज शरीफ की जाती दोस्ती की बुनियाद पर उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पहुंचा। ये सारी चीजें इंतहाई तकलीफ देह हैं, परेशान कुन है। सियासी चश्मे से चीजों को देखने वाले भले जिस एंगल से प्रधानमंत्री मोदी के पाक दौरे को देखें, लेकिन मोदी ने जिस तरह क्रिसमस के दिन नवाज को गले लगाकर दोस्ती का स्पेशल गिफ्ट दिया, उसने सबको चौंका दिया। अब दोनों देशों के विदेश सचिव स्तर की बातचीत 15 जनवरी को इस्लामाबाद में होनी है। उम्मीद यही है कि रिश्तों की ये नई मेहंदी रंग लाएगी, निखर कर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान दौरे की पूरी दुनिया में चर्चा है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान दौरे की तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री के इस कदम को सराहनीय बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की कूटनीति को सराहा, लेकिन एक तरफ मोदी के कदम से दुनिया खुश है, वहीं जमात उद दावा इस दौरे को लेकर नाराज है। आंतरिक विरोध तो शुरू हो ही चुका है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दौरे का मौलाना और उलेमाओं ने समर्थन किया है। फतेहपुर मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम का कहना है कि इस पहल के लिए प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ दोनों लोगों की सराहना करनी होगी। इन दोनों ने रिस्क लिया है और बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया। वहीं जमीयत उलेमा हिंद ने कहा कि मोदी अलग तरह के व्यक्तित्व वाले उनका व्यक्तित्व है, एक अलग तरह के व्यक्तित्व के वो मालिक है और उसके इसी के तहत उनके जो ये नया कदम है उससे दोनों देशों के हालात और रिश्ते सुधर सकते हैं, इसकी उम्मीद जगी है। कल जो है नवाज शरीफ से जब वो गले मिले तो हमें लगा कि जब गले मिल रहे हैं तो गिला जो है वो दूर होगा। तो नरेंद्र मोदी को लेकर जो है लोगों को आशाएं हैं और आज की तारीख में वो आप ये कह सकते हैं कि वो मनमोहन सिंह से जो है वो ज़्यादा जो है वो ताकत में है और उनका जो है वो हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। जो दोनों मुल्कों के हालात ख़राब हैं वो ऐसे ही लोगों की वजह से हैं जो इसको पचा नहीं पा रहे। वो लोग नहीं चाहते कि दो पड़ोसी मुल्क करीब आए, क्योंकि आतंकवाद जो है या बदगुमानी फैलाना या इस तरह की हरकतें करना कि दोनों में नफरत बढ़े, ये नहीं होना चाहिए। मैं नवाज शरीफ जी की सराहना करता हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी सराहना करता हूं
दोनों ने बहुत बड़ा कदम उठाया। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री के कल के पाकिस्तान दौरे और नवाज शरीफ के साथ गर्मजोशी के साथ हुई मुलाकात से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद है, वहीं आरएसएस से बीजेपी में आए पार्टी महासचिव राम माधव ने भरोसा जताया कि एक दिन भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होंगे। विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में राम माधव ने एक बार फिर अखंड भारत के निर्माण की उम्मीद जताई। इंटरव्यू में राम माधव ने उम्मीद जताई कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश सद्भावना के जरिए फिर से एक होंगे और अखंड भारत बनेगा। भारत पाकिस्तान 1947 में बंटवारे के बाद अलग हो गए थे, 69 साल हो गए हैं अलग होते हुए। इसके बाद 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान का यानी कि बांग्लादेश का गठन हुआ था, एक नया देश बना था। और अब राम माधव सपना एक अखंड भारत का देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान भी हो और बांग्लादेश भी, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों मिलकर एक अखंड भारत बन जाए। I had the opportunity to visit the RSS headquarters in Nagpur in India. And when I went there, I saw this massive map on the wall, which showed India, but no Pakistan and no Bangladesh. And I believe that's what's called Akhand Bharat, undivided India in some circles, Hindu national circles. Is that what you want to see one day? India restored, undivided, Bangladesh, Pakistan gone from the map. The RSS still believes that one day these parts, which have for historical reasons separated, only 60 years ago, will again, through popular goodwill, come together and Akhand Bharat will be created. Wow. The RSS believes in that. As an RSS member, I also hold on to that view. But that does not mean we wage war on any country, we annex any country. It doesn't. वहीं आगे बढ़ते हैं खबरों में। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, वहीं कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई है। दरअसल पंजाब में 2017 में होने वाले चुनाव से पहले तमाम पार्टियों में भगदड़ मच गई है, दल बदल का खेल शुरू हो गया है। कल कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखपास खेरा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और आज 21 आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, एसजीपीसी के 34 सदस्य और अकाली दल के समर्थकों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस इसे चुनाव से पहले की एक बड़ी जीत बता रहे हैं, रणनीतिक जीत बता रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि साल 2012 में पंजाब विधानसभा की तस्वीर दरअसल कैसी थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 117 में से 46 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी और अकाली दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अकाली दल ने 94 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली की कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस बार पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, खुद क्योंकि संसदीय चुनाव में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सांसद लड़े कुछ जीते, तो इससे काफी कॉन्फिडेंट है आम आदमी पार्टी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली में 1 जनवरी से गाड़ियों का ऑड इवन फार्मूला लागू होना है, लेकिन उससे ठीक पहले दिल्ली में ऑटो परमिट बांटने में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। केजरीवाल सरकार ने सख्ती दिखाते हुए ट्रांसपोर्ट विभाग के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों पर फर्जी पते पर ऑटो परमिट जारी करने का आरोप है। इवन ऑड फार्मूले को लागू करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 10,000 नए ऑटो परमिट को जारी करने की मंजूरी दी थी। गड़बड़ी के खुलासे के बाद बीजेपी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का इस्तीफा मांगा है। ऑटो यूनियन ने भी दलालों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। एस राय विश्वास, ये डिप्टी कमिश्नर हैं, मनीष पुरी जो इंस्पेक्टर हैं, और श्री अनिल यादव हैं यूडीसी। इन 3 लोगों को सुबह इनको सस्पेंशन का ऑर्डर हमने दिया है और ये पूरे मामले को जिन लोगों का LOI अभी जारी हुआ है उसको कैंसिल कर दिया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। दरअसल ऑटो परमिट बांटने में जो धांधली हुई है, इसके खुलासे के बाद दिल्ली की गवर्नमेंट ने 932 ऑटो परमिट रद्द कर दिए हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग के डिप्टी कमिश्नर एस रॉय विश्वास, इंस्पेक्टर मनीष पुरी और UDC अनिल यादव को सस्पेंड किया गया है। इस धांधली के खुलासे के बाद दिल्ली सरकार ने ऑटो परमिट जारी करने की योजना पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने विजिलेंस विभाग को ऑटो परमिट बांटने में हुई धांधली की जांच का आदेश दिया है। फ्लाइट में खाने को लेकर इंडिया सवालों के घेरे में। मैनेजमेंट के नए सर्कुलर के मुताबिक एयर इंडिया के 90 मिनट तक की घरेलू उड़ानों में अब नॉनवेज खाना नहीं परोसा जाएगा। नए सर्कुलर के मुताबिक करीब 1.5 घंटे की उड़ान के दौरान पैसेंजर्स को सिर्फ गर्म शाकाहारी खाना परोसा जाएगा। पहले रूम टेम्परेचर के तौर पर खाने को परोसा जाता था रूम टेम्परेचर पर, और अब थोड़ा सा गर्म खाना परोसा जाएगा लेकिन वो प्योर वेज होगा। नया नियम नए साल से लागू होगा। इस सर्कुलर इसी महीने की 23 तारीख को जारी किया गया है। एयर इंडिया में वेज नॉन वेज खाना परोसने को लेकर
विवाद बढ़ा तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री महेश शर्मा सफाई देने के लिए सामने आए। कह रहे हैं कि इस खबर को गलत तरीके से पेश किया गया है। लोगों की मांग पर ही ठंड के मौसम में गर्म खाना परोसने का इंतजाम किया गया है। 60 से 90 मिनट की फ्लाइट्स तक ये चीजें वैलिड है। देखिए, मैं समझता हूँ इस सूचना को मिस इंटरप्रेट किया गया है। एयर इंडिया की जो शॉर्ट ड्यूरेशन फ्लाइट थी, 60 से 90 मिनट की फ्लाइट्स, उनमें सामान्यतः स्नैक्स के रूप में एक सैंडविच और केक वगैरह दिए जाते थे। ये बहुत सारे सुझाव आए, शिकायतें भी मिली कि सर्दी के दिनों हैं, इनके अंदर गर्म फूड दिया जाए। उसी फूड को अपग्रेड किया गया है, ना पहले नॉनवेज था और ना अब उसका विषय आया है। उसी वेजिटेरियन जो फूड, जो भी फूड दिया जाता था, जो स्नैक्स दिए जाते थे, उन्हीं स्नैक्स को अब अपग्रेड कर किया गया है, जिसमें हो सकता है गरम समोसा हो, गरम कचौरी हो, कोई हॉट फूड हो। तो ये जो विषय उठाया गया है, ये गलत है। और हमारी बाकी जो 90 मिनट से बाद की फ्लाइटें हैं, उन पर वही वेज और नॉन वेज व्यवस्था जैसे पहले लागू थी वैसे ही लागू रहेगी, क्योंकि छोटी फ्लाइटों में इतना समय नहीं होता कि हम किसी से पूछ सकें कि आप वेज लेंगे नॉन वेज लेंगे, समय कम होता है। और कभी कभी गलती से, चूक से, स्नैक्स में यह भी गलती हो जाती थी कि वेज नॉन वेज स्नैक्स की जगह गलती से चला गया। तो इस व्यवस्था को ध्यान रखते हुए जो पहले व्यवस्था लागू थी वही व्यवस्था है, खाली उस फूड को अपग्रेड किया गया है। सैंडविच और स्नैक्स की बजाय कुछ गर्म फूड, छोले भटूरे, छोले चीज़ें, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, गर्म चीज़ें हो सकती हैं, बस यही व्यवस्था की गई। तो इसमें वेज और नॉन वेज का सवाल, मैं समझता हूँ, गलत कंट्रोवर्सी है। वहीं ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पीएफ निकासी को और आसान कर दिया गया है। अब नौकरी छोड़ने या बदलने पर पीएफ निकासी के लिए अपने एम्प्लॉयर के चक्कर आपको नहीं काटने होंगे। आप सब्सक्राइबर्स पीएफ निकासी के लिए सीधे ईपीएफओ के पास अपना आवेदन दे सकते हैं। इसका फायदा तभी मिलेगा जब सब्सक्राइबर्स का आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़ा होगा। ईपीएफओ की सुविधा का फायदा 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स को हो जाएगा जो नौकरी छोड़ने की फिराक में है या फिर पीएफ विड्रॉल को लेकर थोड़ा टेंशन में है, तो अब थोड़ा उनके लिए राहत की खबर है। और अब हम बात करेंगे कि किस तरह से देश में नकली कारोबार फल फूल रहा है। अहमदाबाद से मुरादाबाद तक और हरिद्वार से दिल्ली तक नकली कारोबार का जाल है। बात हरिद्वार की सबसे पहले, जहां ऐसी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है जहां नामचीन कंपनियों के ब्रांड पर नकली प्रोडक्ट्स बनते थे। अहमदाबाद में ऐसे नकली नोट भी मिल गए, जैसे हम आपको तो दूर बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी हम आप पहचान नहीं पाएंगे, एक्सपर्ट तक नहीं पहचान पाएंगे कि नकली कौन है, असली कौन सा है। वहीं मुरादाबाद की बात करें तो फर्जी नौकरी का झांसा देकर युवकों को यहां फंसाया गया। नकली नौकरी को असली रंग में देने के लिए ज्वाइनिंग लेटर तक ऑफर किए जा रहे हैं, बकायदा ट्रेनिंग के लिए भी उन्हें भेजा जा रहा है। तो ये ईस्ट टू वेस्ट, ये जो पूरा रैकेट चल रहा है, उससे आप सावधान हो जाइए। और क्या आपने कभी सोचा कि जो शैम्पू को ब्रांडेड समझकर आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो नकली हो सकता है, जिस क्रीम को नामचीन कंपनी का समझकर आप बेफिक्र होकर अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी नकली हो सकती है। हरिद्वार की पुलिस ने ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जहां नकली क्रीम, शैम्पू जैसे प्रोडक्ट्स हो, असली रूप इन्हें दे दिया जाता है। पुलिस ने नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को भी धर दबोचा है जो इस काम को अंजाम दे रहे थे। अब खबरें और विस्तार से। गुजरात की हमने बात की थी, नकली नोटों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक भारतीय करेंसी में 14 सिक्योरिटी फीचर होते हैं और पकड़े गए नकली नोटों में हूबहू 6 सिक्योरिटी फीचर मैच कर रहे हैं। गुजरात पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में पकड़े गए 10 लाख के फेक करेंसी को नासिक के इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में भेजा था, जहां जांच के बाद पता चला कि फेक करेंसी बिल्कुल असल इंडियन करेंसी के जैसे बनाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक गुजरात में पहले नकली नोटों की सप्लाई पश्चिम बंगाल से होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूपी से नकली नोटों की सप्लाई बढ़ी है। चौंका देने वाली बात यह है कि यूपी से सप्लाई होने वाली नकली करेंसी बिल्कुल असली करेंसी से मैच कर रही है। और जो एक्यूज और एजेंट जो पकड़ा है वो सब वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश के बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है मालदा, उसके आसपास के गांव के ज़्यादातर रहते थे। लेकिन इस केस में पहली बार, मतलब कि लखनऊ का एक इजरार करके एक आदमी पकड़ाया। महाराष्ट्र एटीएस और हैदराबाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी संगठन आईएस के 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक तीनों संदिग्ध हैदराबाद से बस से नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि तीनों संदिग्ध आईएस में शामिल होने के लिए भारत से बाहर जाने की तैयारी में थे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में तीनों संदिग्धों के परिजनों ने पुलिस की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही आपको ये भी बताते कि राजस्थान एटीएस ने बीते 10 दिसंबर को जयपुर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मार्केटिंग मैनेजर
सिराजुद्दीन को आईएस का एजेंट होने के शक में गिरफ्तार किया था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पटेरा इलाके में एक फूड पॉइजनिंग की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। नीमखेड़ा गांव में रहने वाले लटौरी पटेल के घर में शुक्रवार की रात बेसन से बने पकौड़े खाने से सभी की तबीयत बिगड़ गई। प्राथमिक इलाज के बाद दमोह जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी दो बेटियां और बेटे ने दम तोड़ दिया, जबकि एक और बेटी रात 12 बजे दमोह जिला अस्पताल में जो दाखिल कराया उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उन्हें भजिया खाई 3 मोड़ी, एक मोड़ा वो खुद खत्म हो गया छोटा भाई। आप लोग कैसे मालूम चली? उन्हें बताओ कि बीमार होगा का भजिया खाई तो हमारे गाय से लिया खत्म हो गया हमारे। यहाँ जिला चिकित्सालय में 4 व्यक्तियों को मृत अवस्था में लाया गया है और उनके साथ में एक बच्ची भी थी जो गंभीर अवस्था में थी एवं गैस्ट्रिक स्थिति में थी, जिसको कि अस्पताल में भर्ती करके इलाज किया दिया गया, किंतु कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई है। सर वजह क्या बताइए? इन लोगों ने कुछ पॉइजन से मिले हुए भजिए खाए थे जो तो स्पष्ट उनके घरवाले ही बता पाएंगे। उसको खाने के बाद कुछ देर में उनकी स्थिति बिगड़ गई। और कोई बीमार भी है सर? हाँ, 3 लोग भर्ती हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सैफई महोत्सव का आगाज हो गया है। रामगोपाल यादव ने नगाड़ा बजाकर इसका शुभारंभ किया है। मुलायम शिवपाल, धर्मेंद्र यादव के अलावा यहाँ जया बच्चन भी पहुंची। साथ ही 1500 स्कूली बच्चों ने लोकगीत और जो कार्यक्रम है मलखम्ब जिसका नाम होता है उसको प्रस्तुत किया। श्रद्धे और आदरणीय हम सब के आदरणीय नेताजी।